मर जाऊंगा लेकिन YouTube से कभी हार नहीं मानूंगा। सो हाय एवरीवन, आप सभी को फिर से एक बार नया एक और वीडियो में स्वागत है। सो दोस्तों देखिए, वीडियो अपलोड करने के बाद होता क्या है कि वीडियो अपलोड करने के बाद YT स्टूडियो जाके बार बार रिफ्रेश करना है कि मेरा वीडियो पर कितना व्यूज़ आ रहा है, कितना मिनट से कितना व्यूज़ आ रहा है। लेकिन दोस्तों लास्ट में मिला क्या है कि आपका वीडियो पर 15 से 20 व्यूज़ या 20 से 30 व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है, उसके बाद आपका वीडियो डाउन हो रहा है। तो आपका पूरा ज़िंदगी यूट्यूब पर बिताएंगे लेकिन आपका सक्सेस नहीं होता है। तो ऐसे में दोस्तों काफ़ी नया क्रिएटर्स के साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है और 24 आवर्स माइंड में एक ही चिंता होता है कि मेरा वीडियो पर व्यूज़ नहीं आ रहा है, ऐसे में यार क्या करना है, क्या काम करने से मेरा वीडियो पर ज़्यादा व्यूज़ आ सकता है। लगभग 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे या 12 घंटे माइंड में एक ही चिंता होता है कि किस तरह वीडियो बनाने से मेरा वीडियो पर ज़्यादा व्यूज़ आ सकता है, गलती कहाँ पर है, वीडियो पर है या मेरा चैनल पर है या मेरा गलती है, मतलब गलती ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसे में जितना नया यूट्यूबर्स यूट्यूब चैनल ओपन किया है, हर एक चैनल में इस तरह प्रॉब्लम हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 25 व्यूज़ आ रहा है, यानी कि 25 व्यूज़ आ रहा है, 50 व्यूज़ आ रहा है, उसके बाद वीडियो डाउन हो रहा है। तो दोस्तों अगर आपका साथ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है और आपने काफ़ी सारे वीडियो अपलोड किया है उसके बावजूद आपका चैनल पर ऐसा हरकत हो रहा है, तो दोस्तों आपको सबसे पहले समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों अगर आप एक सीनियर यूट्यूबर हैं और मेरा वीडियो आपने क्लिक किया है तो आप जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे में काफ़ी नया क्रिएटर्स के बीच में एक सीनियर यूट्यूबर होता है जिसका नॉलेज बिल्कुल ज़ीरो होता है, लेकिन जिस वीडियो पर क्लिक करता है लगता है कि मैं उससे सीनियर हूँ। उसके बावजूद होता क्या है कि इसका चैनल बिल्कुल ग्रो नहीं होता है और वीडियो पर व्यूज़ भी नहीं आता है। तो दोस्तों देखिए, अगर आप यूट्यूब रिलेटेड टिप्स वीडियो अपलोड करते हो या और कुछ अपलोड करते हो, क्योंकि हर एक चैनल का एक नीश होता है, तो दोस्तों हर एक नीश पर डायरेक्टली मतलब टॉपिक के ऊपर बात नहीं करना है। ऐसे में क्या होता है कि लोग ज़्यादातर बोर होता है, बीच में कभी कभी एंटरटेनमेंट आपको ऐड करना होता है। जैसे कि डायरेक्टली अगर आप बात करोगे ना तो लोगों का बोर लगता है, तो कभी कभी करना क्या है, कभी कभी आपको हंसना पड़ेगा, कभी कभी आपको और कुछ एक बात कहना पड़ेगा, जैसे आपका बातों से लोग कनेक्ट हो, लोगों को इंगेज ज़्यादा हो। इसलिए दोस्तों डायरेक्टली बात नहीं करना है। तो भाई साहब चलिए टॉपिक पर आते हैं। तो अगर आपका साथ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, आपने काफ़ी कुछ वीडियो अपलोड किया है और उसके बाद आपका चैनल पर व्यूज़ नहीं आ रहा है, चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, सब्सक्राइबर इंक्रीज नहीं हो रहा है, वॉच टाइम इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? दोस्तों ऐसे में आपका पास चार ऑप्शन है। जैसे कि हो सकता है आपका चैनल पर कुछ सेटिंग्स आपने मिस्टेक किया है, या हो सकता है आपका जो वॉयस है ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, या हो सकता है आपका जो कंटेंट आपने जो क्रिएट किया है, कंटेंट के जो आइडिया है ये शायद लोग जो कंटेंट पसंद कर रहा है आप ये कंटेंट नहीं दे पा रहे हो, या हो सकता है कि आपका जो वीडियो क्वालिटी है क्वालिटी ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो भाई देखिए, मैंने तो आइडिया के ऊपर बात कर रहा हूँ, क्योंकि किसका चैनल पर क्या रीज़न है, किस चैनल पर किस कारण से लोग वीडियो नहीं देख रहा है, मुझे तो आइडिया के ऊपर बात कर रहा है। दोस्तों अगर आपका जो प्रॉब्लम है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि आप किस टॉपिक पर वीडियो अपलोड करते हो और आपका वीडियो क्वालिटी कैसा है, आपका कंटेंट कैसा है, आपका वॉइस कैसा है, आपका जो चैनल सेटिंग्स है सेटिंग्स आपने पूरी तरह से किया है, इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए। उसके बाद दोस्तों मुझे पता लगता है कि आपका चैनल पर क्या रीज़न हो सकता है। दोस्तों एक बात मैंने क्लियर कर देना चाहता हूँ कि दोस्तों आप ये मत सोचिए कि मैं एक न्यू यूट्यूबर, क्योंकि दोस्तों मेरा और एक चैनल ऑलरेडी मोनेटाइजेशन है और इससे अच्छा खासा मैं अर्निंग भी कर रहा हूँ। और उसके बाद दोस्तों मैंने जब देखा कि काफ़ी सारा नया नया क्रिएटर्स यूट्यूब पर ज्वाइन हो रहा है, और जब बड़ा बड़ा यूट्यूबर है, बड़ा बड़ा यूट्यूबर करता क्या है कि यूट्यूब टिप्स जो होता है, एक नया चैनल कैसे ग्रो करना है, एक चैनल पर कैसे वीडियो अपलोड करना है, यूट्यूब का सेटिंग्स क्या होता है, यूट्यूब पर थंबनेल कैसे बनाना है, यूट्यूब पर टॉपिक कैसे फाइंड करना है और यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कैसे करना है, सो दोस्तों इसी के ऊपर बात नहीं करता है, खुद का बैकग्राउंड की बात करने लगता है। तो दोस्तों इसी तरह मैं देख कर
मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक चैनल इसके ऊपर बनाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आजकल यूट्यूब पर ज़्यादातर लोग आ रहा है और यूट्यूब चैनल क्रिएट कर रहा है। अगर मैं उन लोगों को थोड़ा बहुत हेल्प करता हूँ तो उन लोग और भी आगे जा सकता है, इसलिए मैंने ये चैनल ओपन किया है। सो दोस्तों चलिए टॉपिक पर फिर से आते हैं। तो दोस्तों अगर ये चार जो रीज़न मैंने बताया है, ये चार रीज़न में से किसी दो रीज़न आपके साथ मैं लाइव प्रूफ शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि आपका चैनल में कुछ सेटिंग्स मिस्टेक के कारण में व्यूज़ नहीं आ रहा है, तो मैं ये लाइव प्रोसेस आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर जाके। और अगर आपका ऐसा होता है कि आपका जो चैनल में और भी सेटिंग्स, जैसे कि दोस्तों अगर आपका चैनल में कुछ सेटिंग्स की कमी है और इसलिए आपका वीडियो पर व्यूज़ नहीं आ रहा है, तो ये चीज़ मैं लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि ये सेटिंग्स कैसे करना है और कहाँ जाके करना है। और दोस्तों और काफ़ी सारा मतलब सेटिंग्स होता है, तो बाकी मैं और दो तीन सेटिंग्स जो इम्पोर्टेंट सेटिंग्स होता है ये मैं मोबाइल के स्क्रीन पर जाके लाइव प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि क्या सेटिंग्स इम्पोर्टेंट सेटिंग्स होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ दोस्तों एक लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले आप अपना मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र या गूगल एप्लीकेशन ओपन करना है। इसके बाद दोस्तों सिंपली सर्च बार में टाइप करना है youtube.com, या अगर यहाँ पर यूट्यूब लोगो शो होता है तो सिंपली यूट्यूब लोगो पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह इंटरफेस आपका सामने डिस्प्ले होता है। तो दोस्तों उसके बाद करना क्या है कि यहाँ पर सिंपली 3 डॉट पर क्लिक करना है, और इसके बाद दोस्तों डेस्कटॉप साइट जो है डेस्कटॉप साइट ऑन करना है। इसके बाद दोस्तों डेस्कटॉप मोड पे ओपन होता है यूट्यूब स्टूडियो। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये कुछ सेकंड वेट करना होता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता है लोडिंग लेने में। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि सिंपली यहाँ पर जो यूट्यूब लोगो है, सिंपली यूट्यूब लोगो पर क्लिक करना है। हो सकता है यहाँ पर यूट्यूब लोगो किसी का पिक्चर रखा है, किसी का खुद का इमेज रखा है, या किसी का लोगो रखा है, तो सिंपली इस लोगो पर क्लिक करना है। दोस्तों लोगो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर और एक ऑप्शन डिस्प्ले होता है, जैसे कि जिसका नाम है यूट्यूब स्टूडियो। तो सिंपली करना क्या है कि यूट्यूब स्टूडियो के ऊपर आप उंगली से, जैसे कि यहाँ पर उंगली से लॉन्ग प्रेस करके रखना है। और उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह इंटरफेस आपका सामने डिस्प्ले होता है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है ओपन इन न्यू टैब इन ग्रुप, इस ऑप्शन पर सिंपली एक बार टच करना है। उसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं यूट्यूब का जो लोगो है, यहाँ पर दो लोगो शो हो रहा है। तो राइट साइड पर जो लोगो है सिंपली इस लोगो के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन होता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम वेट करना होता है, क्योंकि यह हर एक मोबाइल में काफ़ी टाइम लेता है ओपन होने में। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि चैनल का जो डैशबोर्ड है यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि यह सेटिंग चेक करने के लिए या सेटिंग करने के लिए नीचे यहाँ पर एक छोटा सा सेटिंग की आइकन आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए मेरा जो कर्सर है, तो सिंपली इस पर क्लिक करना है। दोस्तों इस सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह आपका सामने इंटरफेस ओपन होता है। दोस्तों ये वीडियो गौर से देखिए, क्योंकि एक चैनल का सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग इसमें होता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए लेफ्ट साइड पर देखिए जनरल और चैनल, इसके बाद देखिए अपलोड डिफॉल्ट्स, और नीचे देखिए परमिशन कम्युनिटी और एग्रीमेंट। तो परमिशन से लेकर कम्युनिटी एग्रीमेंट, ये तीनों चीज़ आपको कुछ चर्चाड़ नहीं करना है। ये ऊपर जो तीनों चीज़ है, तीनों चीज़ में जनरल में कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर USD US डॉलर, क्योंकि जो YouTube की जो डॉलर मिलता है ये US से मिलता है, इसलिए यहाँ पर ये रहने दीजिए। इसके बाद दोस्तों चैनल और अपलोड डिफ़ॉल्ट जो है, ये दोनों ऑप्शन YouTube का सेटिंग होता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर सेटिंग के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, सॉरी चैनल के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे चैनल के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके बाद दोस्तों देखिए ये जो है ज़्यादातर क्रिएटर्स मिस्टेक करते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए कंट्री ऑफ रेसिडेंस, तो यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करना होता है। अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो इंडिया सेलेक्ट करना है। नीचे यहाँ पर देखिए कुछ कीवर्ड मैंने लिख कर रखा है। तो ये कीवर्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर आपने अभी तक ये कीवर्ड नहीं डाला है तो आपका चैनल में ज़िंदगी भर आप वीडियो अपलोड करते रहेंगे, लेकिन आपका चैनल कभी भी ग्रो नहीं होता है और आपका वीडियो पर व्यूज़ भी नहीं आता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं
कि ये जो कीवर्ड है, ये कीवर्ड वही कीवर्ड यहाँ पर लिखना है। जैसे कि देखिए यहाँ पर कीवर्ड जो है, मैंने तीन कीवर्ड यहाँ पर ऐड किया है। जैसे कि मेरा चैनल का नाम मैंने यहाँ पर तीन बार ऐड किया है। फर्स्ट जो ऐड किया है कैपिटल लेटर्स में मैंने ऐड किया है, सेकंड जो है फर्स्ट वर्ड पर मैंने कैपिटल लेटर्स, बाकी जो है स्मॉल लेटर्स, इस तरह करके मैंने एक मतलब नेम ऐड किया है। इसके बाद दोस्तों मतलब लास्ट जो मेरा जो कीवर्ड है यहाँ पर चैनल का नाम जो है मैंने ओनली स्मॉल लेटर से मैंने एक साथ, बीच में कोई स्पेस मैंने नहीं दिया है, एक साथ मैंने लिखा है। तो दोस्तों इस तरह लिखना होता है। इसके बाद दोस्तों चलिए मैं ज़रा जूम कर लेता हूँ, क्योंकि ये कीवर्ड यहाँ पर लिखने से होता क्या है मैं अभी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों हर एक चैनल का एक नीश होता है, यानी कि एक चैनल का एक नीश होता है। कि मान के चलिए कि मेरा ये जो टॉपिक है, मेरा जो ये चैनल है, इस चैनल के ऊपर लाइक मैं यूट्यूब रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ, यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स। तो मेरा चैनल का जो नीश है, नीश कैसे सिलेक्ट करना है ये भी मैं आगे दिखाने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों ये कीवर्ड की बात कर लेते हैं सबसे, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जो चैनल का नीश है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है एक चैनल के लिए। तो बाकी जो कीवर्ड है दोस्तों इस तरह लिखना है। जैसे कि मैं इस चैनल के ऊपर यूट्यूब रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा है। यहाँ पर दोस्तों देखिए कि ये जो चैनल है ये मेरा पुराना चैनल है, इसमें कुछ अलग मैंने कीवर्ड डाला है। जैसे कि यहाँ पर देखिए मतलब गवर्नमेंट स्कीम, ऑनलाइन मनी, ऑनलाइन अर्निंग्स, बैंकिंग, मोबाइल ऐप, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन अप्लाई, डॉक्यूमेंट अप्लाई, गवर्नमेंट स्कीम ऑनलाइन अप्लाई, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड, फेसबुक, ऑनलाइन मेक मनी, अर्निंग ऐप रिव्यू। तो इस तरह दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पर कीवर्ड डाला है। इसका मतलब यह है कि अगर इस तरह आप यहाँ पर कीवर्ड डालेंगे, आपका चैनल के हिसाब से आप कीवर्ड डालेंगे ना, तो YouTube का जो एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम को डायरेक्टली पता चलता है कि इस चैनल पर किस तरह वीडियो अपलोड, किस हिसाब से वीडियो अपलोड होने वाला है। उसके बाद दोस्तों होता क्या है कि वीडियो अपलोड करने के बाद इसी ऑडियंस के सामने ये वीडियो YouTube एल्गोरिदम मतलब नोटिफिकेशन भेजता है। तो दोस्तों इसी के ऊपर एल्गोरिदम को पता चलता है कि इस चैनल के ऊपर किस निश के ऊपर वीडियो अपलोड हो रहा है, यानी कि जो वीडियो आपने अपलोड किया है तो ये वीडियो की ऑडियंस कौन होता है, तो इससे अंदाज़ा लगाता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर ये कीवर्ड आपको ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों ये कीवर्ड आपकी चैनल के जो निश है, निश के ऊपर आप यहाँ पर कीवर्ड सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने लाइक यहाँ पर बता दिया कि YouTube चैनल, अगर आप YouTube रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हो तो यहाँ पर आपको लिखना है हाउ टू ग्रो न्यू YouTube चैनल, YouTube टिप्स, हाउ टू इंक्रीज सब्सक्राइबर, हाउ टू इंक्रीज वॉच टाइम, इस तरह आप यहाँ पर कीवर्ड ऐड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आप नेक्स्ट जो स्टेप है यहाँ पर मैं बता देता हूँ। और जो नीश है, नीश सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होता है, सबसे फास्ट है जो YouTube चैनल का जो फर्स्ट स्टेप होता है, ये सबसे बड़ा स्टेप होता है नीश, चैनल का नीश। दोस्तों मैं जिस तरह आप लोगों को समझा रहा हूँ शायद और कोई ऐसा नहीं समझाता है। इसके बाद दोस्तों देखिए ऊपर एक और एक ऑप्शन है एडवांस, तो सिंपली एडवांस पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए बेसिक इन्फो जो है, बेसिक इन्फो के अंदर ये कीवर्ड है। तो चलिए नेक्स्ट जो है एडवांस, एडवांस के अंदर दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ है। तो ज़्यादातर क्रिएटर्स ये भी गलती करता है। यहाँ पर दोस्तों देखिए डू यू वांट टू सेट योर चैनल एज मेड फॉर किड्स, नीचे यहाँ पर देखिए तीन ऑप्शन, ये सेट दिस चैनल एज मेड फॉर किड्स, आई ऑलवेज अपलोड कंटेंट डेट इज़ मेड फॉर किड्स, नीचे यहाँ पर देखिए नॉट सेट दिस चैनल इज नॉट मेड फॉर किड्स, आई नेवर अपलोड कंटेंट दैट मेड फॉर किड्स, और नीचे यहाँ पर देखिए आई वांट टू रिव्यू दिस सेटिंग्स फॉर एवरी वीडियो। अगर दोस्तों हर एक वीडियो में आप सेटिंग्स चेंज करना चाहते हैं तो सबसे नीचे रख सकते हैं। अगर दोस्तों आपका वीडियो बच्चे के लिए होता है तो फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करना है। अगर दोस्तों आपका वीडियो बच्चों और नॉर्मल लोगों के लिए होता है तो बीच में जो ऑप्शन है ये आपको चूज़ करना है। इसके बाद दोस्तों नीचे की तरह स्क्रॉल करना है, तो नीचे और भी कुछ नहीं है। यहाँ पर दोस्तों देखिए क्लोज और सेव, तो सेव कर लेना है। इसके बाद दोस्तों ये जो मतलब चैनल का अंदर जो सेटिंग्स है ये कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट जो ऑप्शन है, यानी कि नेक्स्ट ऑप्शन देखिए अपलोड डिफ़ॉल्ट, तो सिंपली अपलोड डिफ़ॉल्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों देखिए वीडियो ज़रा लंबा हो सकता है, लेकिन दोस्तों अगर आप समझ लोगे ना कि किस तरह सेटिंग करना है, सेटिंग क्या होता है, तो आपका चैनल मतलब नेक्स्ट दिन से ग्रो करना शुरू करता है, ये मेरा मतलब उम्मीद है।
इसके बाद दोस्तों जब आप अपलोड डिफॉल्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन पर मैंने चैनल के बारे में कुछ लिखा है और आप भी लिख लीजिए। और डिस्क्रिप्शन पर आपका जो इंस्टाग्राम लिंक है, ट्विटर लिंक है, फेसबुक लिंक है, यहाँ पर आप मतलब लाइफ टाइम परमानेंटली यहाँ पर आप सेव करके रख सकते हैं। और यहाँ पर आप सेव करेंगे तो परमानेंटली सेव होता है। नीचे यहाँ पर देखिए पब्लिक, तो यहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं करना है, इस तरह आप मतलब सेट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर और भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे कि टैग पर आप देखिए आपका जो चैनल नेम है, चैनल नेम 3 बार यहाँ पर या 4 बार टैग पर परमानेंट आप यहाँ पर सेव कर लीजिए, तो भी ये बार बार सेव करने की ज़रूरत नहीं होता है। इसके बाद यहाँ पर सेव ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पर देखिए एडवांस सेटिंग, तो दोस्तों यहाँ पर एडवांस सेटिंग पर क्लिक करना है। दोस्तों एडवांस सेटिंग पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट सेटिंग होता है इस ऑप्शंस के अंदर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ज़रा जूम करता हूँ तो देखने में और भी अच्छा होता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए सबसे पहले अलाउ ऑटोमेटिक कैप्चर, ये आपको अलाउ रहने दीजिए, ये जो मतलब टिक मार्क है ये आपको अनटिक नहीं करना है। इसके बाद दोस्तों देखिए ये कैटेगरी जो है इसको कहा जाता है नीश, तो सबसे पहले तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए काफ़ी सारा ऑप्शन आपका सामने डिस्प्ले होता है, तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक किया है। यहाँ पर दोस्तों देखिए चैनल नीश, अगर ये नीश आप बराबर सिलेक्ट नहीं करते हो तो आपका पूरा ज़िंदगी यूट्यूब पर बिताएंगे लेकिन आपका सक्सेस नहीं होता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए अगर आप कॉमेडी वीडियो अपलोड करते हो तो यहाँ पर कॉमेडी सिलेक्ट करना है, अगर आप एजुकेशन रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हो तो एजुकेशन सिलेक्ट करना है। दोस्तों एंटरटेनमेंट आप देख सकते हैं, अगर दोस्तों आप गेमिंग रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हो तो नीश आपको गेमिंग रखना है। दोस्तों इससे क्या होता है कि यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम को पता चलता है कि आप किस नीश यानी कि किस टॉपिक आपने चूज़ किया है और उसी हिसाब से ऑडियंस को आपका वीडियो का नोटिफिकेशन भेजता है। तो मैं डायरेक्टली कह दिया है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं दो डायरेक्टली आपको बता देता हूँ। अगर दोस्तों आप YouTube रिलेटेड वीडियो टिप्स एंड ट्रिक्स अपलोड करते हो तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको सिलेक्ट करना है। और दोस्तों अगर आप मतलब गवर्नमेंट सर्विसेज के बारे में टेक रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हो तो इसके लिए भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपलोड करना है। दोस्तों अगर आप ब्लॉग बनाना है तो यहाँ पर पीपल एंड ब्लॉग सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों ये होता है नीश, तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बाकी जो है यहाँ पर देखना है तो इस वीडियो के इस चैनल पर ज़्यादा वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं, बाकी सेटिंग्स के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। इसके बाद दोस्तों चलिए ये मैं यहाँ पर स्टॉप कर लेता हूँ। इसके बाद मेन और एक इम्पोर्टेंट सेटिंग है, इसके लिए दोस्तों आपको जाना है यूट्यूब पर। तो यूट्यूब पर जाने के लिए डायरेक्टली करना क्या है कि चलिए होम पेज पर आते हैं और इसके बाद यूट्यूब ओपन करना है। दोस्तों जैसे यूट्यूब ओपन करेंगे इसके बाद दोस्तों यूट्यूब लोगो ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों यूआर चैनल ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों ये देखिए ये मेरा पुराना चैनल है, तो ये जो मैंने वीडियो सेट करके रखा है ये भी एक सेटिंग्स होता है, तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ पर देखिए एक पेंसिल आइकन है, सिंपली पेंसिल वाला आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए चैनल सेटिंग्स, यहाँ पर दोस्तों देखिए प्राइवेसी दो ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे कि कीप ऑल माई सब्सक्रिप्शन प्राइवेट, यानी कि आपका चैनल में कितना सब्सक्राइबर है ऑडियंस नहीं देख पाएंगे ये अगर ये ऑफ करते हो। और सेकेंड जो है कीप ऑल माई सेव प्लेलिस्ट प्राइवेट। दोस्तों देखिए हर एक क्रिएटर करता क्या है कि यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने से पहले किसी एक या दो या तीन चार पांच बड़ा चैनल फॉलो करता है और उसी के हिसाब से वीडियो अपलोड करता है। तो दोस्तों अगर ये आप ऑन रखते हो ना तो ऑडियंस को पता चलता है कि आप किस चैनल को फॉलो करके वीडियो अपलोड कर रहा है, तो ऑडियंस को अगर पता लग जाए ना तो आपका वीडियो ऑडियंस नहीं देखता है, क्योंकि ऑडियंस काफ़ी मतलब शानदार है, काफ़ी समझदार है, इसलिए दोस्तों वीडियो नहीं देखता है, क्योंकि ऑडियंस के माइंड में यह सवाल आता है कि आप तो दूसरा किसी चैनल को कॉपी कर रहा है इसलिए आपका वीडियो नहीं देखता है। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ आपको ऑफ रखना है। और उसके बाद दोस्तों बाकी जो सेटिंग्स है, बाकी सेटिंग्स के लिए इस चैनल पर वीडियो ऑलरेडी है, आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, वीडियो पसंद है तो एक लाइक करना है, इस चैनल में नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही।